स्टूडेंट तो प्रकाशिक यंत्र में जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, कई बार इसका किरण आरेख भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें देखो बेसिक इस बार क्या है कि राजस्थान बोर्ड में डेरिवेटिव पोर्शन तो आपके हटा दिया गया है, ठीक है, और केवल एक तो किरण चित्र और कुछ इस पर न्यूमेरिकल आपको दिए हुए हैं। तो देखो भाई दूरदर्शी क्या है, तो जनरली हम देखते हैं कि दूर स्थित वस्तुएं जैसे वायुयान है, ग्रह है, तारे, ये आकार में तो बड़े होते हैं लेकिन फिर भी हमें ये क्या है छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा आंख पर बनने वाला जो दर्शन कोण का मान है, इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप केवल उसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हो जो हमारी आंख पर कम से कम एक मिनट या 1/60 डिग्री का कोण तो बनाए, ठीक है। तो वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण को हम बोलते हैं दर्शन कोण। तो होता यह है कि वस्तुएं दूर स्थित होने के कारण दर्शन कोण का मान कम हो जाता है। अगर हम उन वस्तुओं को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो हमें लेंसों की सहायता लेनी होगी, ठीक है। ये लेंस क्या करते हैं, दर्शन कोण का मान बढ़ा देते हैं, ओके। अब इसमें देखो बनावट में हमें देखना है कि खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में देखो क्या होता है, सबसे पहले एक बड़ा उत्तल लेंस है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, तो इसे तो हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, ऑब्जर्वर लेंस, और दूसरा छोटा यानी कम द्वारक का उत्तल लेंस है जिसे हम बोलते हैं आई लेंस या नेत्रिका, ओके, ठीक है। ये दोनों लेंस क्या है, एक खोखली नली के सिरे पर लगे हुए होते हैं और खोखली नली को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखो मैंने एक ओरिजिनल डायग्राम आपको दिखाया, देखो यहां भी एक लेंस लगा हुआ है, डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ भी एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है, और ये खोखली नली के दोनों सिरे पर, बीच में नली में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि आप इन दोनों नलियों के बीच की दूरी को चेंज भी कर सकते हो, ओके। तो यहां पर देखिए डायग्राम में सबसे पहले कि ये एक अनंत पर रखी हुई वस्तु है, हालांकि अनंत वाली वस्तु को अपन डिनोट नहीं कर सकते, तो अनंत पर रखी हुई वस्तु, इसका जो समांतर किरण पुंज है, तो यहां देखो डायग्राम है इसका, यानी इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है भाई, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है यहां पर, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, और ये इस अभिदृश्यक लेंस के फोकस बिंदु पर बन रहा है। लेकिन यहां देखो नेत्रिका की जो फोकस लेंथ है वो यहां से लेकर यहां तक है, तो अगर किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में कोई वस्तु आ जाती है तो उसका सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, देखो ये रेड से मैं आपको दर्शा रहा हूं, तो ये बड़ा प्रतिबिंब आ गया, लास्ट वाला प्रतिबिंब, ओके। अब देखो वस्तु तो रखी हुई यहां पर, लेकिन आपको क्या है कि देखने पर यानी आपके द्वारा जो ये लास्ट वाला अंतिम प्रतिबिंब था जो बड़ा बना है, ओके, ए टू बी टू के द्वारा अपन इसे डिनोट कर रहे हैं, तो ये वाला प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इस प्रकार से क्या है कि खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के द्वारा जो दूर स्थित वस्तुएं हैं उनका भी क्या है आपको बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ओके। यहां देखो इसकी आवर्तन क्षमता का कोई डेरिवेशन नहीं है जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी वाला है, आवर्तन क्षमता का यहां पर देखो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल है, तो यहां मान आएगा एफ बराबर माइनस का एफ डॉट, ये ऑब्जर्वर लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, और एफ ई ये यहां पर नेत्रिका यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है। माइनस का चिन्ह मैंने यहां पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगाया है क्योंकि जो अंतिम प्रतिबिंब है, यहां वापस देखो आप किरण आरेख में आ जाओ कि जो ये अंतिम प्रतिबिंब है ये यहां पर उल्टा है वस्तु के सापेक्ष, इसलिए आपको यहां पर माइनस का चिन्ह काम में लेना पड़ रहा है। फिर देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा नली बहुत ज्यादा लंबी है, तो यहां पर यह माना गया है कि जो नली की लंबाई है तो नली की लंबाई को हमें हमेशा इस प्रकार से ही एडजस्ट रखना होता है प्रतिबिंब सही देखने के लिए कि उसका जो मान है वो दोनों लेंसों की फोकस दूरी के योग के बराबर होना चाहिए। तो एल या नली की लंबाई है, एफ डॉट यहां पर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और एफ ई है यहां पर अभी नेत्र लेंस की। अब जैसे देखो आपको यहाँ एक आंकड़े क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जैसे जनरली 2 नंबर का 2019 में आया हुआ है कि एक दूरदर्शी आपको दे दी जाए जिसकी आवर्धन क्षमता का मान आपको दे दिया जाए 9, हालांकि 9 लिखेगा माइनस में, आपको खुद को रखना है इसे, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है मान लो, और नेत्रिका
और अभिदृश्यक लेंस दोनों की लेंथ यानी लंबाई का मान आपको एक ही बार में दे दिया यहां पर 20 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया जाए कि एफ डॉट और एफ ई का जो मान है वो दोनों अलग से हमें बताइए कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आप फॉर्मूला रखोगे एम बराबर माइनस का एफ डॉट बटा एफ ई, ठीक है। एम का मान आपको दिया हुआ है माइनस का 9, फॉर्मूला जाएगा माइनस का एफ डॉट बटा एफ ई, ठीक है। माइनस कैंसिल करने के बाद में एफ डॉट का जो मान है वो आ जाएगा 9 एफ ई, ओके। इसके बाद में देखो जो आपका एक समीकरण वाला पार्ट है कि एल बराबर होता है एफ डॉट प्लस एफ ई, एल का मान आपको दिया हुआ है यहां 20, एफ डॉट का मान आपके सामने देखो ये लिखा हुआ है कि एफ डॉट बराबर होता है 9 एफ ई, आप लिखो 9 एफ ई प्लस एफ ई, तो 9 और एक ये और आ गया, टोटल हो गया 10। तो एफ ई का मान देखो आप सबसे पहले यहां ज्ञात कर सकते हो, तो एफ ई बराबर मान आ जाएगा 20 बटा 10, तो ये मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने आपको कहा भी था डायग्राम के अकॉर्डिंग कि नेत्रिका जो है वो कम फोकस दूरी है, कम फोकस दूरी के, तो देखो इसका मान भी कमी है 2। एफ डॉट का मान देखो अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहां पर एफ डॉट प्लस एफ ई बराबर है 20, और एफ डॉट का मान निकालना है तो 20 में से आपको एफ ई घटाना है, यानी 2 घटाओगे तो ये माना जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखो ये खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी का मीटर था, ठीक है, और इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल जो ज्यादा आपसे पूछा जाता है ये भी मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है, ओके।